अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कोफ्ता की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 kg मीट, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर दिया है। चॉप करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। पहले हम डालेंगे चिली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 2 बड़े चम्मच। मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे छोटे छोटे मीट बॉल्स, मीडियम साइज़ के मीट बॉल्स बनाएंगे। सब्ज़ी हम लेंगे ऑनियन और कैप्सिकम। मीट बॉल्स को एक एक करके तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गार्लिक और धनिया पेस्ट, जो मैंने पहले से ही बना के रखा था, इसको हम पहले ही डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे ढक्कन और 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब तक मीट फ्राई हो जाएगा तब तक हम दूसरे बर्तन में सब्जियां फ्राई करेंगे। सब्जियों में हम पहले डालेंगे ऑनियन, फिर डालेंगे कैप्सिकम और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हम डालेंगे पहले ही नमक और हल्दी, दालचीनी पाउडर 1 चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक ये फ्राई हो जाएंगी तब तक मैं एप्पल खाती हूँ। 10 मिनट के बाद हम कोफ्ते चेक करेंगे। उसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक, दालचीनी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम फिर से ढककर रखेंगे और हम अपनी सब्जियां चेक करेंगे। सब्जियों में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और उनको फिर से ढक के रखेंगे। कोफ्ती चेक करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, इसमें हम डालेंगे मीट बॉल्स। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम रखेंगे ढक्कन। 10-15 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और फिर से ढक के रखेंगे। 30 मिनट तक हम इनको पकाएंगे और फिर एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। रेडी है हमारे मटन कोफ्ते। आप इनको सर्व कर सकते हैं दही और चावल के साथ। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।